स्वागत है फिर से नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं, इनफैक्ट बात नहीं, एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं, वो है Xiaomi Redmi 4A। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ये फोन Xiaomi ने जस्ट कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया और ये मार्केट में बहुत ही क्रेजी हो गया है। तो इसका हम आपके सामने करने वाले हैं रिव्यू पिछले कुछ चार दिनों से इस्तेमाल करने के बाद। तो आइए दिखाते हैं, हम इस रिव्यू को चार हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम बात करेंगे इसकी डिलीवरी एंड आउटर कवरिंग एंड पैकेजिंग के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। और लास्ट में होगा मेरा कंक्लूजन एंड खुद का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। जैसे कि मैंने कहा आपको कवरिंग के बारे में एंड पैकेजिंग के बारे में, तो कुछ इस तरीके से अमेज़न ने पैक करके मुझे ये फोन भेजा था एंड कुछ इस तरीके का इसका केस था, जो कि बाकी ही दूसरे Redmi फोन के तरह ही है। बस इसको एक व्हाइट कलर का पूरा कवर किया गया है एंड इसमें 4A आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता है। तो अगर आप इसके कवर को ओपन करते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके की चीजें मिलती हैं आपको अंदर में, कुछ पैम्पलेट्स, कुछ यूज की चीजें हैं, आपको बिल वगैरह मिल जाता है। और आपको इसमें मिलता है एक अच्छी क्वालिटी का चार्जर, 2 एम्पीयर की रेटिंग है इस चार्जर की, और कुछ तकरीबन आधे मीटर के आसपास की लंबी डेटा केबल एंड चार्जिंग केबल। इस केबल की अगर बात की जाए तो क्वालिटी काफी बेहतरीन दी गई है। और जब आप इससे डेटा ट्रांसफर की बात करें तो काफी अच्छा डेटा ट्रांसफर रेट भी है इस फोन का, सॉरी इस केबल का। और चार्जर जो है 2 एम्पीयर का दिया गया है। इसलिए 2 एम्पीयर का दिया गया है क्योंकि इस फोन में फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है और ये चार्जर काफी तेजी से आपको फोन को चार्ज करता है। अब बढ़ते हैं फोन की तरफ और इसके बिल्ड क्वालिटी की तरफ हम बात करते हैं, जो हमारा पहला केस है। तो इसको देखेंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगती है, फोन काफी प्रीमियम लुक देता है, पूरी प्लास्टिक बॉडी दी गई है। जैसे कि बाकी सारे फोन जो थे वो मेटल की बॉडी में लाया है Xiaomi ने, जैसे 3S, 3S Prime वगैरह की बात करें तो फुली मेटल की बॉडी है, पर ये फोन लुक बिल्कुल सेम है, 3S का छोटा भाई कह सकते हैं आप इसको। कैमरे की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम ही दी गई है, कलर जो है ये रोज गोल्ड है और देखने में मेटलिक कवर लगता है, पर टोटली प्लास्टिक दी गई है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का इसको प्लास्टिक प्रोवाइड किया गया है इसे बनाने में। और फील काफी अच्छा है, हैंडी बहुत है ये फोन। 5 इंच की स्क्रीन दी गई है ऐसा कि आप देख सकते हैं। फ्रंट जो लुक है वो व्हाइटिश दिया गया है, बस ये थोड़ा सा ऑफ लगता है। बाकी अगर ऑल टुगेदर इसके फील की बात करें, इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो काफी बेहतरीन लगता है ये फोन। यहाँ पर एक वॉल्यूम की दी गई है, यहाँ पर लॉक अनलॉक के लिए एक बटन प्रोवाइड किया गया है, ऊपर में रिमोट सेंसर प्रोवाइड किया गया है इस फोन में, पर यहाँ पर एक 3.5mm का जैक है, नीचे में चार्जिंग है, यहीं पे आपको माइक देखने को मिलता है। तो ऑल टुगेदर फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो काफी बेहतरीन है फोन। और फिर जहां तक इसके कैमरे की बात की जाए तो कैमरे बाकी सारे Xiaomi के फोन की ही तरह, फ्रंट कैमरा इसमें 5 मेगापिक्सल का दिया गया है और बैक कैमरा इसमें 30 मेगापिक्सल का दिया गया है। और जहां तक फोटो शूटिंग की बात की जाए तो फ्रंट कैमरे में आपको ये फोन का कैमरा बाकी 3S और 3S Prime के मुकाबले ज्यादा बेहतर नजर आता है, ज्यादा वाइब्रेंट है, कलर कैप्चरिंग क्वालिटी काफी बेहतरीन है। लेकिन बैक कैमरे की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा येलोशनेस आपको नजर आता है इसके बैक कैमरे में। और इसमें अगर सेंसर्स की बात की जाए तो इसमें जायरोस्कोप सेंसर दिया गया है, इसमें रिमोट सेंसर दी गई है आपको और लाइट सेंसर इसमें दिया गया है। तो ऑल टुगेदर फोन में काफी अच्छे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस फोन में ऑनबोर्ड आपको 2GB रैम मिलता है, 16GB मेमोरी दी गई है और इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो है 425 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, काफी अच्छा परफॉर्मिंग प्रोसेसर माना जाता है। तो ये है फोन की हार्डवेयर के बारे में। अगर इसके सॉफ्टवेयर की तरफ हम मूव करते हैं तो इसकी जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इसमें जो प्रोवाइड किया गया है वो मार्शमैलो प्रोवाइड किया गया है और Xiaomi की बाकी यूजर इंटरफेस की ही तरह इसमें भी यूजर इंटरफेस 8 प्रोवाइड किया गया है। काफी स्टेबल इंटरफेस है वो Xiaomi का और काफी कस्टमाइज है वो इंटरफेस। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये फोन लुक कैसा देता है। तो आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस काफी अच्छी है और जहां तक बात करते हैं तो ड्रॉप डाउन में काफी बढ़िया कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि इसके MIUI 8 की ही तरह, जो कि इसके बाकी सारे फोन MIUI 8 का इंटरफेस आपको इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो काफी हाई और काफी बढ़िया फीचर परफॉर्मेंस इसमें दिया गया है। और जब आप इसमें हेवी गेमिंग करते हैं, जैसे NFS Combat 5 की तरह गेम इसमें आप जब खेलते हैं तो भी ये फोन लैग नहीं करता, ऑल टुगेदर काफी अच्छा फील देता है। अब इसकी बात करते हैं
ड्रॉबैक्स के बारे में, तो फ्रेंड इसमें बस एक ड्रॉबैक, दो ड्रॉबैक मैंने इनफैक्ट पर्सनली फील किया है, वो ये है कि पहला तो फोन थोड़ा हीट होता है चार्जिंग के टाइम में, और सेकंड जब आप कंटिन्यूअस फोटोज वगैरह इसमें ट्रांसफर करते हैं और इसे आप जब गैलरी से ओपन करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा लैग आपको वहां पर नजर आता है। ऑल टुगेदर फोन काफी बढ़िया है, इसे 6000 के बजट में लॉन्च किया गया है, तो बजट फोन होने के बावजूद परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए बजट फोन के अंदर। ऑल टुगेदर ये फोन काफी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लुक है इस फोन का, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, फीचर बहुत बढ़िया है, तो ऑल टुगेदर मैं कहूँ तो ड्रॉबैक्स को अगर छोटे जो लाइट ड्रॉबैक्स है अगर उसे इग्नोर किया जाए तो ये फोन काफी बढ़िया है खरीदने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज। थैंक यू सो मच।